धम्म पदम का आज तीसरा वर्ग है चित्तवग्गो। चित्त मन, चित्त के स्वरूप का परिचय देने वाला प्रकरण। पहली गाथा है फंदनम चपलम चित्तम दुरखम दुन्निवार्यम उजुम करोति मेधावी उस्कारो इव तेजनम। यह वर्ग ही है चित्त के संबंध में विवरण दे रहा है, उसके स्वरूप का परिचय। फंदनम चपलम चित्तम, चित्तम चित्त फंदनम स्पंदनम कंपायमान धक धक करने वाला है। गुरुदेव जी ने लिखा धक धक करने वाला। चपलम तेज भागने वाला, दुरक्षम दुरक्षम रक्षा करना कठिन, तात्पर्य है स्थिर रखना कठिन। दुन्निवार्यम निवारण करना कठिन, भाग दौड़ से रोकना कठिन। किंतु मेधावी प्रज्ञावान मनुष्य उसे उजुम रिजु सरल सीधा संयत करोति कर लेता है। चित्त स्पंदनशील और चपल है, इसको एकाग्र करना और भटकने से रोक रखना कठिन है। किंतु मेधावी उजुम मेधावी पुरुष इसको उसी तरह सरल सीधा संयत करोति कर लेता है। कैसे कर लेता है? उस्कारो इव इशुकार इव इश बाण बनाने वाला, बाण बनाने वाला जैसे तेजनम बाण बाण की नोक को सीधा कर लेता है। यह मानव मात्र का सर्वव्यापी अनुभव है। मन अत्यंत चपल है और इसी बात को बताने के लिए तथागत बुद्ध इस गाथा में चार विशेषण देते हैं। स्पंदनम चपलम दुरक्षम और दुन्निवार्यम। स्पंदनम चपलम, मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि मेधावी उसे सरल बना लेता है, सीधा और संयत कर लेता है। ये विचार बहुत आशावान है। ऐसा नहीं है कि मन की चंचलता है तो फिर उसे हम कभी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। देखिए, मन की चंचलता उसकी गुणवत्ता है, गलत नहीं है। जैसे पानी और पानी की शीतलता, गुड़ और उसकी मिठास, ऐसे ही है मन और मन की चंचलता। यहां सरल अर्थ में चंचलता को मैं इस रूप में कहूं, सोचना विचारना याद करना कल्पना करना, यह तो उसका स्वभाव ही है। मन है तो यह गतिविधि बनी ही रहेगी। यह है, कैसे कह सकते हैं कि मन नहीं है? मन शांत जैसी कोई चीज नहीं होती है। या तो मन है या तो मन नहीं है, वो सोचेगा ही, सोचना उसका स्वभाव है, सोचना उसका स्वभाव है। गुरुदेव जी कई बार उदाहरण दिया करते थे, जैसे घोड़ा हो, घोड़ा चंचल है और
आप प्रशिक्षित नहीं हैं, घोड़े को प्रशिक्षित नहीं किए हैं, घोड़े पर बैठ जाए तो क्या होगा? वो पटकेगा, खाई में गिराएगा, कहीं उठाएगा, हाथ पैर तोड़ देगा। इसको नियंत्रित करना है, घोड़े को नियंत्रित करना है, तो उसको एक कोई रीजन दो। वो क्या है? लगाम। लगाम होगा ना तो ही वो नियंत्रण में आ सकता है, नहीं तो नहीं आने वाला है। वो क्या है? लगाम है आपका कोई कारण हो, सोचेगा, मैंने कहा ना सोचेगा ही। उसको एक कोई सटीक, कोई दमदार, कोई लक्ष्य दे दो, कोई कारण दे दो, इस पर सोचो। चंचलता अर्थ क्या है? जो हम सोचना चाहते हैं वह न सोच करके दूसरी बात सोचे। बैठे यहां हैं, यहां हमको सुनना चाहिए, यहां एकाग्रता साधनी चाहिए, दूसरी ओर सोच रहे हैं अन्यत्र बातों को। यही तो चंचलता का कारण है। पुस्तक खोल के बैठ गए, पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन लगना चाहिए, लेकिन पुस्तक तो खोल के पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो विषय अंदर नहीं आ रहे, मन अनवस्थान है। यही है चंचलता। सोच रहा है, वो सोचेगा, लेकिन जब उसे कोई मजबूत कारण दे देंगे ये करना है तो क्या होगा? वो उस पर सोचेगा। जैसे घोड़े को एक ट्रेक दे दिया गया, जो रेस वाले घोड़े होते हैं वो ट्रेक पे दौड़ते हैं, ऐसे ही जब अपने विचारों को एक दिशा दे दिए फिर वो चंचलता नहीं, वो बड़े काम की। यही तो तथागत बुद्ध कह रहे हैं, उसको बाण बनाने वाला जैसे बाण को के नोक को सीधा कर लेता है, ऐसे ही अब सीधा का क्या अर्थ निकलेगा? कैसे जानेंगे सीधा है? सीधा तो तब पता चलेगा जब आपका कोई टारगेट हो, उस दिशा में जा रहे हों तो पता चलेगा सीधा है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, हम लोग कारण भी देते हैं ना उसको, गलत देते हैं, गलत देते हैं। मन को क्या विषय दे दिए हैं? राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, उसको हराना है, उसको डांटना है, उसको फटकारना है, इसके बारे में वो करना है, उसने वैसा कहा, वैसा कहा, कारण ही गलत है। जो हमने उसको विषय दिया है, जो उसको हमने सोचने के लिए जो विषय दिया है वही गलत है। परिणाम क्या आएगा? परिणाम ही गलत आएगा। कभी हमने उसको अकेले में बैठ करके सही दिशा देने को सोचा ही नहीं है, और इसके लिए स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी। संत समाज चाहे जितना अच्छा हो, गुरु चाहे जितना ही ऊंचाई पर उठ गया हो, आपके मन को दिशा देने के लिए वो नहीं आएगा। हमारे मन को सही दिशा में चलाने के लिए कोई नहीं आने वाला है, हमें ही उस सही दिशा में भेजना है उसको। जब कभी बैठे और एक बार संकल्प ले, मान लो आज के लिए सोचें, आज किसी की कमजोरी नहीं देखनी है, कमजोरी नहीं बोलनी है, कमजोरी नहीं सोचनी है, और कमजोरी किसी की नहीं सुननी है। एक दिन के लिए दे दो दिशा इसको। दूसरे की न कमजोरी हमें बोलना है, न सोचना है, न करना है, न ही सुनना है, सुना भी नहीं है। एक दिन क्या होगा? बहुत लोग हैं, उनमें बहुत सी अच्छाइयां भी हैं, आप जानते हैं क्या होगा? लोग आएंगे, साथी लोग कुछ बोलना चाहेंगे, देखो भाई किसी कमजोरी मत बोलो, मेरे विषय में कहना है तो कहो, या किसी की अच्छाई कहना है तो कहो। एक दो मिनट के बाद वो कहेगा अच्छा जा रहा हूं, सामग्री ही नहीं है ना बातचीत का, बातचीत करने के लिए विषय ही वस्तु नहीं है, सिवाय इसके कि दूसरी की बुराई आलोचना, इन्हीं सब चर्चा करने की बात है। एक दिन दिशा देके देखें, दिशा देते नहीं है, ये स्थिति आएगी ही। तथागत बुद्ध कहते हैं फंदनम चपलम चित्तम दुरक्खम दुर्निवार्यम, कठिन है, लेकिन कठिन किसके लिए है? जो इस पर मेहनत नहीं करता।
जो इस पर काम नहीं करता। उजुम करोति मेधावी, किंतु मेधावी पुरुष उसको उसी तरह उजु सीधा सरल, उजु का अर्थ है रिजु, जो रिजु कहते हैं ना हम लोग, रिजुता सरलता, सीधा कर लेता है। किस तरह कर लेता है? जिस तरह बाण बनाने वाला बाण को सीधा कर, बाण कहीं थोड़ा भी तिरछा होगा ना तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। यह सबका अनुभव है कि मन चंचल है, और यह भी संसार के सभी परिपक्व संतों का अनुभव है कि मन वश में होता है। इसलिए साधक को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसे लगन से साधना में लगना चाहिए। कोई महापुरुष ये अनुभव की बात कह रहा है कि ऐसा होता है, कितनी कितना आशावान वचन है। यदि किसी ने ये काम किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। इसलिए इसकी चंचलता यह अभिशाप नहीं है, बस उसको दिशा देना है। कई आंखें बंद कर लो चुपचाप, इंद्रियों को बंद करने मात्र से मन की चंचलता रुकने वाली नहीं है। होटल के मालिक ने पूछा, आप हमारे होटल में रात रुके थे, कैसा लगा, कैसी बीती रात, कैसा रहा दिन? उसने कहा, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये बंदर बहुत परेशान करता था। बंदर, बहुत से बंदर बहुत परेशान करते थे। होटल वाले ने क्या कहा, मालिक ने क्या कहा, ये तो हो ही नहीं सकता है, दरवाजे पर संतरी बैठा है, उसकी अनुमति के बिना तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता है। उसने कहा, मनुष्यों के लिए संतरी है, बंदर के लिए तो नहीं है। खिड़की और दरवाजे बंद भी कर दो तो दीवारों से फांद किया जाता है। यही हमारे मन की दशा है, हम बंद कर दिए आंख, आंख बंद कर लिए, सब बंद करके बैठ गए, चुप बैठ गए, क्या उसको भी आप शांत कर पाएंगे? इस मन को जिसने समझा, सदगुरु कबीर ने जो कहा कि मन गोरख मन गोविंदा, मन ही अवघड़ होए, जो यह मन को वश करे शिष्य होए शब्देश, ऐसे कुछ है। दूसरी गाथा है, वारिजो यु थले खित्तो ओक मोकत उपभतो परिफंदंत ईदम चित्तम मारधेयम पहात वे। ओक मोकत, उदक ओकत, उदक जल, ओकत ओक घर, जलाशय घर से, उपभतो खींच कर थले जमीन पर, खित्तो फेंकी गई है, वारिजो इव वारिज इव वारिज से जायमान, मछली के लिए है, जल से उत्पन्न मछली के समान, इदम चित्तम इदम चित्तम, यह चित्त परिफंदन्ति कांपता है तड़पता है, काम मोह से निकलने के लिए यह तड़पता है, अतएव मार धेयम मार के क्षेत्र से, काम मोह के आयाम को पहातवे दूर ढकेल दो। सरल उदाहरण दे रहे हैं तथागत बुद्ध, क्या कहते हैं, जैसे मछली को पानी से निकाल के जमीन पर फेंक दो, खींच करके निकाल कर, तो तड़फेगी, क्यों तड़फेगी, पानी में जाना है। ऐसे ही जिस प्रकार मछली बाहर तड़फ रही है, ऐसे ही मार के बंधन में यह जीव बंद करके तड़फ रहा है उससे बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। हर जीव की ये आंतरिक मांग है शांति। मैंने कहा था ना अभी, शांति तो चाहता है लेकिन आधार ही गलत देता है। कल ही पढ़ रहा था, शांति की इच्छा है तो पहला काम है इच्छा को शांत करो, शांति की इच्छा है तो इच्छा को शांत करो, वही नहीं हो पा रहा है तो कैसे काम बनेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं,
वारिजो इव थले खित्तो ओक मोकत उपभतो। पाली भाषा में ओक के दो अर्थ हैं, जल और घर। संस्कृत भाषा में ओक घर है, मछली का घर जल है। मछली को यहाँ वारिज कहा गया है, वार वारिज वारी ज वारी से उत्पन्न कहा गया है। जब मछली पानी से निकाल कर जमीन पर फेंक दी जाती है तब वह पीड़ा से तड़पती है। इसी तरह मनुष्य का चित्त मार के बंधनों से छूटने के लिए तड़पता है। बुद्ध वचन में मार का विशेष अर्थ पहले भी पढ़े थे। अकुशल वृत्तियों की साकार मूर्ति, लुभाने वाला, तात्पर्य है काम मोह, मन का रागात्मक जाल। इसमें चित्त पीड़ित रहता है, अतएव वह मानो इससे निकलने के लिए तड़पता है। इसीलिए मार धैयम, मार के क्षेत्र को पहात हुए दूर ढकेल दो। मार का जो घेरा है, मार की जो स्थिति, उसको दूर ढकेल दो, हटा दो उसको। साधक का काम ही है ये। जैसे मछली तड़पती है, वैसे ही सांसारिक माया मोह में फंसा मन पीड़ा से तड़पता है। उससे छूट कर वह अपने शांति घर को चाहता है। इसलिए साधक का काम है कि वह मार को मार भगाए, वासना जाल को तोड़कर मुक्त हो जाए। कबीर साहब जी ने वो पंक्ति कही, हम तो कभू न निज घर आए, कभू न निज घर आए, कहाँ आए, पर घर ही भटक रहे हैं हर समय पर। ये काम बहुत बड़ा है जो मान लेंगे ना, इस काम को कितना बड़ा काम है जो मुझे, जिसके लिए मैंने निर्णय लिया है, वह भला प्रपंच में उलझेगा नहीं उलझेगा? वो नहीं उलझेगा। राग द्वेष के चक्कर में रहेगा, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में रहेगा, नहीं रहेगा। परनिंदा के चक्कर में रहेगा, नहीं रहेगा। कहीं गलती से हो भी गई तो अकेले में बैठ के फिर उसके निवारण करना पड़ेगा उसको साफ। अरे क्या हो गया मेरे व्यस्ते, थोड़ा भी, जैसे सफ़ेद कपड़ा में थोड़ा दाग लगता है, खटकने लगता है, वैसे ही साधक के चित्त में थोड़ा भी गलत विचार आने लग जाए, उसको खटकेगा, अशांति होगी उसको, पीड़ा होगी। जिस दिन ये पीड़ा होने लग जाएगी ना, उसी दिन साधक सही पथ में चलना शुरू कर देगा। साहेब बंदगी।